साल 2023 में काफ़ी सारे एक्टर्स ने अपना कमबैक किया, जैसे कि प्रभास ने सलार से अपना कमबैक किया, अक्षय कुमार ने ओ माई गॉड 2 से और सनी देओल ने गदर 2 से। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले साल का सबसे बड़ा कमबैक था शाहरुख खान का, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी फिल्म से कमबैक किया जिस फिल्म को इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था, यानी कि पठान से। और इसी के चलते आज के इस वीडियो में हम शाहरुख खान के डाउनफॉल, कमबैक और उनके कमबैक में उनकी पीआर टीम का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शाहरुख खान ने 1995 में आई फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ही बॉलीवुड में अपनी धाक जमानी शुरू कर दी थी, और उसके बाद उन्होंने दिल से, कुछ कुछ होता है, देवदास, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, डॉन और ओम शांति ओम जैसी लगातार कई सारी हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्में डिलीवर की। और 2008 की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी तक उनका करियर इतना ज़्यादा स्मूथ चल रहा था कि किसी को लगा ही नहीं कि शाहरुख खान के करियर में भी कभी डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन फिर 2009 में रिलीज़ हुई उनकी फिल्म बिल्लू बार बार, जो कि एक शॉकिंग फ्लॉप थी, और इसी के बाद शाहरुख खान के करियर का खराब टाइम शुरू हो गया। हालांकि इसके बाद भी उनकी फिल्में माई नेम इज़ खान, डॉन 2 और जब तक है जान जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। लेकिन सही मायनों में शाहरुख खान के लिए सबसे बड़ा शौक यह था कि उनकी फिल्म रावण, जिस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, वो फिल्म एक फ्लॉप टू एवरेज डिक्लेयर की गई। 150 करोड़ के बजट में बनी उस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 207 करोड़ का एक ग्रॉस कलेक्शन किया, लेकिन बजट के हिसाब से उस फिल्म को सिर्फ एक एवरेज डिक्लेयर किया गया। उसके बाद भी उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस जैसी एक इंडस्ट्री हिट फिल्म डिलीवर की, जो कि शाहरुख खान के करियर के हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। लेकिन इस फिल्म के बाद सही मायनों में शाहरुख खान के करियर में एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया, जहां पर उनकी फिल्में हैप्पी न्यू ईयर, फैन, राइज और जब हैरी मेट सेजल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन तो कर रही थी, लेकिन वो कलेक्शन शाहरुख खान के लेवल का नहीं था। मतलब कि शाहरुख खान के नाम से उन फिल्मों को जो कलेक्शन करना चाहिए था वो उतना कलेक्शन नहीं कर पाई। और फिर फाइनली शाहरुख खान ने 2018 की फिल्म जीरो से एक काफ़ी यूनिक अटेम्प्ट लिया, जिसमें उन्होंने एक बौने इंसान का रोल प्ले किया था। लेकिन वो फिल्म अपने खराब स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले की वजह से इतनी बुरे तरीके से फिटी कि वो फिल्म अपने बजट का 50% भी रिकवर नहीं कर पाई, और इस फिल्म से शाहरुख खान के कमबैक की उम्मीद पर भी पानी फिर गया। जीरो फिल्म के फेलियर के बाद उन्होंने 4 साल का ब्रेक लिया, और इसी बीच शाहरुख खान कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में भी फंसे, जिनमें उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में अरेस्ट कर लिया गया, और शाहरुख खान को भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। लेकिन बाद में आर्यन खान को बेल मिल गई, और इसी बीच शाहरुख खान की पीआर टीम ने भी शाहरुख खान की इमेज को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी, और कह सकते हैं कि ये पूरा खेल उनकी पीआर टीम ने ही हैंडल किया। और अब बारी थी शाहरुख खान के कमबैक की, और इसी के चलते पठान फिल्म के टीजर को रिलीज करवाया गया, जिसे कि काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन फिर पठान फिल्म से उस फिल्म का पहला गाना रिलीज किया गया, बेशरम रंग, और यहीं से इस फिल्म को टारगेट करने की शुरुआत हुई, क्योंकि इस सॉन्ग में दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी थी, और कुछ लोगों ने इस चीज़ को हिंदुइज्म के साथ जोड़ दिया, और बस उन्हें एक रीज़न मिल गया इस फिल्म को बॉयकॉट करने का। और इस फिल्म को इतने बुरे तरीके से बॉयकॉट किया गया कि इस फिल्म का रिलीज़ हो पाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन फाइनली फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ हुई, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म 1000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। लेकिन फिर भी इस फिल्म ने 1000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, और शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी, जिसके बाद उनकी अगली रिलीज थी जवान, जिसे साउथ डायरेक्टर एटली ने डायरेक्ट किया था, और अगेन इस फिल्म ने भी वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का कलेक्शन किया, और शाहरुख खान ने अपनी सक्सेस को कंटिन्यू रखा। और इसी फिल्म के बाद उनकी अगली रिलीज थी डंकी, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। ये फिल्म उम्मीद के मुताबिक तो कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने 470 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया, और शाहरुख खान के करियर की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। शाहरुख खान की फिल्मों ने साल 2023 में टोटल 2650 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया, और ये तीनों ही फिल्में बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई। और अब लगभग 14 सालों के बाद शाहरुख खान फिर से फुल फॉर्म में वापस आ चुके हैं। अब उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में बात करें तो उसकी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन शायद वो संजय लीला भंसाली या विशाल भारद्वाज के साथ अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद वो टाइगर वर्सेस पठान में भी नजर आएंगे। ये था शाहरुख खान के कमबैक पर मेरा डेडिकेटेड वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।